कुछ भी ना मांगना और सब कुछ हासिल कर लेना। आज हम एक ऐसे सफर का आगाज करेंगे जो आपके अंदर छुपे हुए सबसे बड़े खजाने को दरियाफ्त करने में आपकी भरपूर मदद करेगा, और वो खजाना जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है वो है आपका ज़हन। ये वो सफर है जिसमें आप अपने लिए कुछ भी ना मांगें तो भी आपको बिन मांगे ही हर वो चीज़ मिल सकती है जिसकी आपको ख्वाहिश है। ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें से गुज़रने के बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि अपनी ख्वाहिशात, ज़रूरियात और ख्वाब पूरे करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप दूसरों की ज़रूरियात और ख्वाहिशात का भी ख्याल रखें और इन्हें पूरा करने की कोशिश करें। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप अपने ख्वाब पूरा होता देखना चाहते हैं। चलें देखते हैं कि ये सब कुछ किस तरह हासिल किया जा सकता है। अगले चंद लम्हों के लिए अपने ज़हन को आगे बताए हुए ख्यालात में डुबो दें। हर दफ़ा जब आप सांस अंदर की तरफ लें तो तसव्वुर करें कि कायनात की तमाम कुव्वतें आपके अंदर सिमट आई हैं। और हर दफ़ा जब आप सांस बाहर निकालें तो साथ ये तसव्वुर करें कि आपने अंदर के तमाम खौफ और हर वो चीज़ जो आपके लिए नुकसानदेह है उसको भी सांस के साथ बाहर निकाल दिया है। हर दफ़ा जब आप सांस अंदर ले जाएं, तो तसव्वुर करें कि तमाम खुशियां, मोहब्बतें और रौनकें सांस के साथ आपके अंदर चली गई हैं। जब आप हर बार सांस निकालें तो ये ख्याल करें जैसे आपके अंदर के तमाम खौफ और मनफी सोचें भी बाहर निकल गई हैं। हर दफ़ा जब आप सांस अंदर लें तो तसव्वुर करें कि एक नई कुव्वत आपके अंदर पैदा हुई है जो आपके माजी के तमाम दुखों और ज़ख्मों को ठीक कर देगी।
और बाहर की सांस के साथ आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, क्योंकि आप अपने शकूक और शहबात और परेशानियों से छुटकारा पा लेंगे। आपको हर अंदर की सांस के साथ ये एहसास होगा कि एक बार फिर आपको ज़िंदगी में सादा और छोटी छोटी मगर हकीकी खुशियां मनाने का मौका मिला है। हर बाहर निकलने वाली सांस आपको गैर ज़रूरी ख्यालात और मनफी जज्बात से साफ कर देती है। हर अंदर की सांस ये एहसास दिलाती है कि आपको एक और मौका मिला है कि आप दूसरों का भी दुख बांट सकें और उनकी मदद कर सकें। हर बार सांस अंदर लेते वक्त आप अच्छाई के एक नए एहसास से मुंसलिक होते जाएंगे। जब भी आप सांस बाहर निकालें तो साथ ही आप तकलीफ दे ख्यालात और मनफी सोचों को बाहर निकाल दें। अब आपका जहन बहुत पुरसकून और खामोश जगह पे मरकूज हो गया है और अब बारी है अपने आप पर मुतवज्जो होने की। जब आप अपने पर मुतवज्जो होंगे तो अपने अंदर एक गैर मामूली जज्बा उभरता हुआ महसूस करेंगे, जो आपके लिए एक नायाब चीज होगा। आपको अपने अंदर एक नई तवानाई का एहसास पैदा होना लगेगा। इस तवानाई का एहसास नहायत खुशगवार, पुरसकून और आरामदेह है। इस एहसास
का लुत्फ लें। जैसे जैसे आप इस एहसास पर तवज्जो देंगे, आपके तसव्वुर में एक फवारा आएगा जिससे जिंदगी फूट रही है। ये फवारा जिसका आप तसव्वुर कर रहे हैं देखने में पानी का लगता है, मगर असल में ये साफ और शफाफ सफ़ेद रोशनी का बना हुआ है। ये नहायत ही खूबसूरत मंजर है। आप इस चश्मे की ताकत को अपने वजूद में महसूस कर रहे हैं। ये अंदरूनी ताकत आपके वजूद के उस हिस्से से आ रही है जो बहुत पाक और शफाफ है और जो आपकी रूह और अंदरूनी खूबसूरती की सही तस्वीर है। आप अपने अंदर एक बहुत खूबसूरत और पुरसकून गर्माइश महसूस कर रहे हैं। सफेद और शफाफ रोशनी की शवाएं आपके अंदर शिद्दत से फूट रही हैं। ये बहुत ही खूबसूरत एहसास है। अब रोशनी की ये शवाएं आपके पूरे जिस्म में फैल गई हैं और आपके वजूद के हर हिस्से को छूते हुए एक नई मुस्बत कुव्वत दे रही हैं। आपकी सोच, वजूद और रूह सब इस पाक रोशनी से जगमगा रहे हैं। जब आप अपने अंदर के नूर के फवारे पर पूरी तरह मुतवज्जो हो जाएंगे तो आपके ख्यालात और एहसासात ज़्यादा वाज़े होकर आपके सामने आएंगे। आपकी सोच में एक वुसअत आएगी। आपकी ज़िंदगी का मकसद आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने वाज़े होता चला जाएगा। ये रोशनी आपके जहन को एक नई भरपूर ताकत फरहम कर रही है। अब ये नूर की किरणें आपके वजूद के एक एक हिस्से को साफ करके आपको सेहत और तवाज़ुन की तरफ ले जा रही हैं। आपका दिमाग और आपके जिस्म के तमाम अज्जा अब साथ मिलकर तमाम नुकसानदेह मवाद का खात्मा कर रहे हैं, तमाम रुकावटें साफ कर रहे हैं और एक पुरफिजा माहौल पैदा कर रहे हैं। इस जिंदगी से भरपूर रोशनी की हरारत से आप अपने आप को बेहद हल्का महसूस कर रहे हैं। आपके अंदर की रोशनी अब आपकी रूह को छू रही है और इंसानियत और हमदर्दी के सबसे आला दर्जात की तरफ जाने में हौसला अफजाई कर रही है। आप महसूस कर रहे हैं कि आप में ज़्यादा कुव्वत बर्दाश्त, माफ़ कर देने की ताकत, आजी और इनकसारी पैदा हो रही है। आप अपने आप को सच्चाई, ईमानदारी और इंसाफ के करीब पाएंगे।
यह हैरत अंगेज रोशनी आपको फराख दिली, नेक ख्याली और बर्दाश्त की तरफ लेकर जा रही है। आपका जहन, वजूद और रूह एक बेहतर सेहत और खुशहाली की तरफ जा रही हैं। आपका जहन, वजूद और रूह खुशहाली के तोहफे से चमक रही हैं। आप अपने आप को बहुत ताकतवर और आजाद महसूस कर रहे हैं। अब आप इन रोशनी की लहरों की तरफ मुतवज्जे हैं जो कि फवारे के बहने की वजह से वजूद में आ रही हैं। इन लहरों पर लम्हा ब लम्हा गौर करें। उस वक्त से जब ये रोशनी के फवारे से निकलें और गौर करते जाएं कैसे इनके गिरने से छोटे छोटे दायरे बनते हैं और वो छोटे दायरे बड़े दायरों में तब्दील होते जा रहे हैं। ये रोशनी की लहरें आपकी अंदरूनी ताकत की दूसरी तस्वीर हैं और इन लहरों का खूबसूरत रक्स देखने से आपको शिफा और ताकत मिल रही है। अब ये लहरें फवारे की हदों से बाहर निकलकर उन लोगों तक पहुंच रही हैं जिनकी आपको फिक्र है और जिनसे आपको प्यार है। आप इन लहरों को उन तक पहुंचते हुए देख सकते हैं। उनके खौफ, अंदेशे और कमजोरियां रोशनी के छूने से खत्म होती जा रही हैं। वो अब हैरत कुन रोशनी से सेहतयाब हो गए हैं। अब आप इस खुशी से लुत्फ अंदोज हों जो आपने अपने चाहने वालों को दी है। अब आप अपनी इस रोशनी को उन लोगों की तरफ बढ़ता देखें जिनको इसकी ज़रूरत है, वो जो भी हैं और जहां भी हैं। इनको इस रोशनी में जगमगाता देखें।
आपकी ये मेहरबान रोशनी दुनिया भर के लोगों को छूकर उनको एक नई उम्मीद, एक नई उमंग और ताकत दे रही है, ताकि वो अपनी जिंदगी में मस्बत तब्दीली ला सकें। आपकी ये रोशनी अब तमाम कायनात में तावन, दोस्ती और अमन बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रही है। आप अपनी इन रोशनी की लहरों को अब दुनिया भर में फैलते हुए देख रहे हैं। ये समंदर, दरिया, सहरा, जंगल, शहरों और बस्तियों को छूते हुए और इन्हें शिफा देते हुए बहती जा रही हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और एक नए फरहत बख्श जज्बे को उजागर कर रहा है। आपकी ये मोहब्बत भरी रोशनी हर उस कोशिश के लिए मौजूद है जो इस दुनिया में अमन और खुशियां बिखेरना चाहती है। अब आप इस रोशनी के फवारे को मजीद जोश से अपने अंदर उभरते हुए देख सकते हैं, जो आपके वजूद से होता हुआ तमाम कायनात में फैल रहा है। इस हैरतकुन अमल से आप आजाद और मजबूत महसूस कर रहे हैं। ये ताकत आपको एक नई तवानाई और हल्केपन का एहसास दे रही है। इस एहसास से लुत्फ अंदोज हूं। अब आहिस्ता आहिस्ता इस हैरतकुन एहसास से बाहर आते हुए अपने जहन में अपने आप को यूं तसव्वुर करें जैसे आप बहुत खुश और मुतमईन नज़र आ रहे हैं। आपके गिर्द की फ़िज़ा में एक तवाज़ुन और ठहराव है जिसने आपको घेरे हुआ है। आप बहुत ही पुरसकून, पुरएतमाद और नडर महसूस कर रहे हैं। ये बे इंतहा खूबसूरत नज़ारा है। ये तसव्वुर बहुत रूह अफ़ज़ा और कुव्वत बख्श है। आप अपने आप को एक बेहतरीन इंसान के अक्स में ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि महसूस भी कर रहे हैं। ये आपकी अंदरूनी खुशी की एक बेहतरीन सूरत है जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की। इस एहसास का लुत्फ उठाएं।
अब आप तसव्वुर करें कि आप खुद इस अक्स में ढलते जा रहे हैं। अब वो अक्स आप देख नहीं रहे, बल्कि वो अक्स और आप एक हैं। अपने आप को पूरी तरह से इस खूबसूरत मुस्बत अक्स में ढाल लें। ये अक्स जो बहुत पुरसकून, पुर एतमाद और पुर अमन है, हकीकत में आप ही हैं। आप सिर्फ अपनी साथ ही नहीं, बल्कि सारी कायनात के साथ पुरसकून और पुर एतमाद महसूस कर रहे हैं। अब आप कायनात को अपने इस नए मुस्बत सोच से देख और परख रहे हैं। अब आप अपने मुस्बत अक्स के नाक और फेफड़ों से सांस ले रहे हैं। आपका सर एक नए अंदरूनी फख्र और खुद एतमादी से बुलंद हो गया है। आप अपने मुस्बत अक्स की सलाहियतों को अपने अंदर उजागर होते हुए महसूस कर रहे हैं। आपको ये एहसास हो रहा है कि आप एक काबिल सताइश इंसान हैं और बेशबहा सलाहियतों के मालिक हैं, और यही आपका हकीकी रूप है। इस एहसास को मजबूती से थाम लें। यही है आपका असल वजूद, जिसका इजहार आप हमेशा एक मुस्बत और तख्लीकी अंदाज में करना चाहते थे। ये आपकी ज़ात का वो गैर मामूली सलाहियत का हिस्सा है जिसको आप हमेशा महसूस करते थे, लेकिन इस बात से खौफजदा थे कि कहीं सिर्फ ये एक ख्वाब ना हो और कहीं आपके तस्लीम करने से हमेशा के लिए आपसे गुम ना हो जाए। अब आपको यकीन हो गया है कि ये ज़ात वाकई आपका हिस्सा है और सही तौर पर आपके जज्बों की रहनुमाई करती है। एक ऐसी ज़ात जो बेशुमार सलाहियतों की मालिक है, इसके पास अनगिनत वसाइल और शिफा बांटने वाली कुव्वत है। आप एक रहम दिल, एहसास और हलीम तबीयत के मालिक हैं। आप बहुत मुखलिस, सच्चे और हमदर्द इंसान हैं। आप अपनी रोशनी के फवारे से दोबारा अपने वजूद का वो हिस्सा हासिल करें जो ना सिर्फ दुखी लोगों की मदद के लिए हर वक्त तैयार है, बल्कि तमाम कायनात के लिए नेक ख्वाहिश रखता है। आपका ये वजूद दूसरों के लिए बेलौस हमदर्दी रखता है और इस कायनात को मुस्बत तरीके से असरअंदाज करता है। इस नए बेगर्ज वजूद से
लुत्फ अंदोज हूं। अब अपने आप से वादा करें कि आप हर दिन का कुछ हिस्सा अपनी इस गैर मामूली ज़हनी सलाहियत को उजागर करने में गुजारेंगे, जो आपको दूसरों की ज़रूरियात पूरा करने में मदद करता है। अब आप एक पुर अज़्म, पुर वक़ार और पुर एतमाद इंसान हैं और ये सलाहियतें अब हमेशा आपके वजूद का हिस्सा रहेंगी। आप अपना मामूल बना लें कि अपने अंदर के नूर के फवारे से बाकायदा राब्ता रखेंगे, उसका तसव्वुर करेंगे और अपनी तमाम परेशानियां दूर होते हुए महसूस करेंगे और एक मुस्बत तरीके से अपनी कायनात पर असर अंदाज होंगे और फिर अपने पूरे अतराफ एक मुस्बत तब्दीली आते हुए देखेंगे और यूं अपने आप को एक बेहतरीन, पुरसकून और मुकम्मल इंसान पाएंगे। ये इतना खूबसूरत एहसास जो इस वक्त आपके साथ है, इसे हमेशा के लिए अपना लें। याद रखें, अब वक्त है बदलने का और वो शुरू होगा आपकी अपनी ज़ात से।